अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये जो लेक्चर है इसमें जो चीज़ मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो है बॉन्ड्स, यानी कि बॉन्ड्स क्या होते हैं एंड इट्स टाइप्स, और बॉन्ड्स की जो टाइप्स है ना वो क्या होती हैं, यानी कि मुख्तलिफ तरह के जो बॉन्ड्स होते हैं वो कौन कौन से बॉन्ड्स हो सकते हैं और किस तरह के बॉन्ड्स हो सकते हैं। देखिए, जब हम बॉन्ड की बात करते हैं ना, तो बॉन्ड में अगर बॉन्ड की हम डेफिनेशन की बात करें, कोई बोले कि भाई बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, तो आप ये याद रखिएगा कि इट इज़ अ डेट इंस्ट्रूमेंट। पहली बात, क्या इट इज़ अ डेट इंस्ट्रूमेंट? इट इज़ अ डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि ये एक उधार की शक्ल है, ठीक है, एक इक्विटी होती है, लेकिन ये जो डेट है ना, जो बॉन्ड है इट इज़ अ डेट इंस्ट्रूमेंट या डेट इन्वेस्टमेंट है, आप कह लो डेट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपने किसी को जो इन्वेस्टमेंट करी है वो उधार की शक्ल में करी है। और जब आप उधार की शक्ल में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको जो है वो रिटर्न इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो कुछ सालों बाद आपको वापस से रिटर्न हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने जो यहाँ पर नोट करनी है वो ये है कि इशुअर ओज दी होल्डर अ डेट। मैं वापस से यहाँ पे लिखता हूँ, इशुअर इशुअर होल्ड्स सॉरी इशुअर ओज दी होल्डर अ डेट। तमाम बातें आप अपने पास कॉपी करते जाएं, यानी कि जो इशू करता है, बॉन्ड इशू करने वाला जो बंदा होता है वो ओ करता है होल्डर ऑफ द डेट को, ठीक है ना। इशुअर ओज दी होल्डर अ डेट, जो इस इंस्ट्रूमेंट को इशू करता है उसने उधार लिया होता है और वो होल्डर ऑफ द डेट को उधार देगा, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, जो जो जनरली होता है वो क्या होता है, जनरली ये होता है कि डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स जो है वो हर बॉन्ड की अलग हो सकती हैं, तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स, यानी कि पहले तो हम देखेंगे कि भाई किसी बॉन्ड की क्या टर्म्स हैं, लेकिन अमूमन आमतौर पर क्या होता है, इशूअर पेज इंटरेस्ट, जिसने ये बॉन्ड इशू किया है यानी कि जिसने उधार लिया है वो इशूअर पेज इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट पे करता है, वो इंटरेस्ट पे करता है। इंटरेस्ट इज़ अ फिक्स चार्ज जो आप किसी को उधार देते हो उसके अगेंस्ट आपको मिलता है। एंड स्लैश और द प्रिंसिपल यानी कि जो अमाउंट उधार दिया गया था ऑन अ मेच्योरिटी डेट आखिरी दिन होता है, आखिरी डेट होती है, ठीक है जी। मेच्योरिटी डेट आखिरी दिन या आखिरी डेट होती है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो इशूअर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो इंटरेस्ट पे करे, और जब मेच्योरिटी डेट आ जाए यानी कि टर्म्स जब पूरी हो जाए, टाइम पीरियड जब पूरा हो जाए, तो जो प्रिंसिपल उसने उधार लिया था वो पूरा उधार वापस करे। अब मुख्तलिफ तरह के बॉन्ड्स हो सकते हैं, मैं यहाँ पर कुछ टाइप्स लिख देता हूँ। नंबर वन, एक सर सबसे सिंपल जो कहलाता है वो कहलाता है स्ट्रेट बॉन्ड। सबसे जो सिंपल कहलाता है वो कहलाता है स्ट्रेट बॉन्ड, ठीक है जी, सबसे सिंपल कहलाता है स्ट्रेट बॉन्ड। उसके बाद दूसरी टाइप आपके पास आ सकती है, जो आपके पास पूछी जा सकती है सवालों में, वो है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। ये दूसरी टाइप है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। तीसरी जो टाइप आ सकती है वो है ज़ीरो कोपॉन बॉन्ड। ये तीसरी टाइप है। चौथी टाइप जो आ सकती है वो है आपके कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अच्छा, कन्वर्टेबल बॉन्ड जो है वो एग्जामिनर का एक फेवरेट एरिया है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो है उसके सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो तीसरी टाइप जो चौथी टाइप जो है वो हमारी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है। और जो पांचवी और आखिरी से जो टाइप है वो कहलाती है ईयोरो बॉन्ड्स। पांचवी और आखिरी टाइप जो है वो कहलाती है ईयोरो बॉन्ड्स। तो क्या क्या है, स्ट्रेट बॉन्ड है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड है, ज़ीरो कोपॉन बॉन्ड है, कन्वर्टेबल बॉन्ड है और ईयोरो बॉन्ड्स है। ये पाँच तरह के अलग अलग बॉन्ड्स आपके पास मौजूद होते हैं। अब सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रेट बॉन्ड को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक एक कर हम सारे बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे। जब हम स्ट्रेट बॉन्ड की बात करते हैं ना, तो स्ट्रेट बॉन्ड जो है वो बड़ा सिंपल सा है, जो आप तसव्वुर कर रहे हो वैसा ही है। यानी कि होता क्या है इस पे, लेट से कि
3 साल का बॉन्ड है, 10% का कूपन रेट है, जो टर्म है वो 3 ईयर्स है, 3 साल के लिए उधार दिया गया है, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को उधार दिया 3 साल के लिए 10% के इंटरेस्ट रेट पर। स्टेट बॉन्ड की एक एग्जांपल ये हो सकती है कि मिसाल के तौर पर लेट से एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर ए है और एक कंपनी है, ठीक है ना। मैं समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ बड़ी सिंपल सी। मिस्टर ए ने कंपनी को ईयर नंबर 0 पर उधार दिया, यानी कि मिस्टर ए ने जब कंपनी को उधार दिया तो मिस्टर ए के पास से 100 रुपये कंपनी के पास चले गए, ये मिस्टर ए के लिए कैश आउटफ्लो है, पैसा जा रहा है, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। उसके बाद क्या होगा, हर साल के आखिर में अगर 3 साल का बॉन्ड है, ईयर वन के आखिर में, ईयर टू के आखिर में, ईयर थ्री के आखिर में, फॉर एग्जांपल जब पहला साल ख़त्म होगा ना, जब पहला साल गुजर जाएगा, तो ईयर वन के आखिर में जो कंपनी है वो मिस्टर ए को जो है वो इस 100 पर 10% के हिसाब से, और 100 का 10% जो है वो 10 रुपये बनता है, तो 100 पर 10% के हिसाब से यानी कि 10 रुपये का उधार देगी, ये ए के लिए कैश इनफ्लो होगा। दूसरे साल के आखिर में वापस से कंपनी 100 पर 10% यानी कि 10 रुपये का उधार इंटरेस्ट देगी, ये अगेन ए के लिए कैश इनफ्लो होगा, और तीसरे साल पर दोबारा 100 पर 10% यानी कि 10 रुपये का इंटरेस्ट जो है वो कंपनी से मिस्टर ए के पास आ रहा होगा। ये तीनों साल इसके पास इंटरेस्ट आएगा। तीसरे साल इसमें और क्या होगा, तीसरे साल इसमें ये होगा कि जो मिस्टर ए ने कंपनी को 100 रुपये दिए थे, कंपनी वो भी इसको वापस कर देगी। इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास 110 रुपये आ जाएंगे, यानी कि मिस्टर ए ने पहले दिन 100 रुपये इन्वेस्ट करे, पहले साल के आखिर में 10 रुपये, दूसरे साल के आखिर में 10 रुपये, और तीसरे साल के आखिर में 110 रुपये आ गए। ये जो तीसरे साल का आखिरी दिन है ना, ये कहलाती है मेरी मेच्योरिटी डेट। क्या कहलाती है, मेच्योरिटी डेट। मेच्योरिटी डेट वो डेट होती है जिस दिन दिया गया उधार वापस करा जा रहा है। तो ये स्ट्रेट बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रेट बॉन्ड्स बड़े सिंपल होते हैं, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, और बड़ी सिंपल सी एक चीज़ है कि मेंशन होगा भाई आपने आज 100 रुपये का उधार दिया 3 सालों के लिए, 3 साल बाद आप अपने 100 रुपये वापस ले लेना, और हर साल हम आपको 100 पर 10% का यानी कि 10 रुपये का जो है वो उधार दे रहे होंगे, और 3 सालों के लिए आपने हमें उधार दिया, इस पर हम बातचीत करेंगे। अच्छा जी, दूसरी टाइप ज़रा गौर से आपने सुननी है, दूसरी टाइप ज़रा गौर से आपने सुननी है, वो कहलाती है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। क्या कहलाती है, कहलाती है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। अब डीप डिस्काउंट बॉन्ड में कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी हैं। पहली बात आपने ये याद रखनी है, नंबर वन, इशूड एट अ प्राइस विच इज़ इशूड एट अ प्राइस विच इज़ एट अ लार्ज डिस्काउंट। अच्छा, लार्ज डिस्काउंट अमूमन आमतौर पर 20% या उससे ज़्यादा। इशूड एट अ प्राइस विच इज़ एट अ लार्ज डिस्काउंट टू द नॉमिनल वैल्यू, टू द नॉमिनल वैल्यू, टू द नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। पहली बात, यानी कि ये डिस्काउंट पर इशू होता है, विच मीन्स कि अगर 100 रुपये का बॉन्ड है तो 100 रुपये पर इशू नहीं होगा, 80 पर, 70 पर, 75 पर इशू होगा, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, लेट से एग्जाम्पल ये है कि 100 रुपये वाला बॉन्ड था और उसको इशू किया गया 75 रुपये पर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि भाई ₹100 का एक बॉन्ड था, ₹100 जो है बॉन्ड, बॉन्ड की ये जो फेस वैल्यू थी वो 100 रुपये थी, और इसको इशू करा गया ₹75 पर, इशू करा गया ₹75 पर, एंड रिडीमेबल एट पार। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने साथ में लिखा है एंड रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार। इसका क्या मतलब है, ज़रा इसको स्ट्रेट बॉन्ड से कंपेयर करते हैं। देखिए, स्ट्रेट बॉन्ड में ये बात था कि मिस्टर ए ने ईयर जीरो पर कंपनी को 100 रुपये दिए, और कंपनी ने एक इसको सर्टिफिकेट दे दिया, एक बॉन्ड दे दिया जिसपे लिखी हुई थी वैल्यू 100 रुपये। लेकिन डीप डिस्काउंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। डीप डिस्काउंट बॉन्ड में मिस्टर ए ने कंपनी को कितने पैसे दिए, पैसे दिए 75 रुपये, पैसे दिए 75 रुपये, लेकिन कंपनी ने जिसको बॉन्ड दिया, जो डॉक्यूमेंट दिया, वो 100 रुपये नॉमिनल वैल्यू वाला दिया। इसको हम कहते हैं इशूड ए डिस्काउंट। यानी कि आप यूँ सोच सकते हो कि यार ए ने उधार दिया है सिर्फ और सिर्फ 75 रुपये, 100 रुपये उधार नहीं दिया, ऐसा ही है ना भाई। अगर वो 75 रुपये का उसका कैश आउटफ्लो है तो उधार भी 75 रुपये का हुआ, लेकिन उसको जो बॉन्ड मिला वो 100 रुपये में का मिला, रिडीमेबल एट पार,
सर रिडीम बैलेट पार का क्या मतलब है? अगर आप स्टेट बॉन्ड से कंपेयर करते हो तो तीसरे साल के आखिर में जब ए ने बॉन्ड वापस करा तो कंपनी ने उसको 100 रुपये वापस कर दिए। लेकिन अगर मैं इस स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करता हूँ तो इसमें ये होगा कि जब 3 साल ख़त्म होंगे तो कंपनी इसको 100 रुपये वापस करेगी। इसका मतलब तो सर ये हुआ कि इसका एक तो जो मिस्टर ए है उसका एक गेन तो 25 रुपये का हमें यूं नज़र आ रहा है कि इसने यह नंबर 0 पर 75 रुपये दिए थे और यह नंबर 3 पर जब इसको वापस मिल रहे हैं तो 100 मिल रहे हैं, यानी कि 25 रुपये तो इधर ही मिस्टर ए का फ़ायदा नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हम स्टेट बॉन्ड्स में देखते हैं तो अगर स्टेट बॉन्ड में हमने 100 रुपये उधार दिया तो 3 साल बाद हमें वापस से पूरे 100 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन डीप डिस्काउंट बॉन्ड में अगर हमने लेट से 75 रुपये दिए हैं, हमें 100 वाला बॉन्ड मिला है, तो जब हम रिडेम्पशन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमें 75 मिले बल्कि कंपनी हमें 100 रुपये देगी। इसका मतलब ये हो गया कि सर स्ट्रेट बॉन्ड में जो इन्वेस्टर कमाता है ना वो सालाना इंटरेस्ट पर ही कमाता है, लेकिन डीप डिस्काउंट बॉन्ड में ऐसा नहीं है। इन्वेस्टर इंटरेस्ट पर तो कमा रहा होगा वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन एक उसको कैपिटल एप्रिसिएशन या कैपिटल गेन सॉर्ट ऑफ भी मिलता है, यानी कि उसने 75 इन्वेस्ट करे होते हैं तो जब वो वापस से 3 साल बाद जाता है, जब वो अपनी टर्म के आखिर में जाता है तो उसको जो पैसे मिलते हैं उसमें एक सिग्निफिकेंट चंक इस बात का शामिल होता है कि जो 75 का उधार दिया था वो जब वापस मिलता है तीसरे साल के आखिर में तो 75 नहीं मिलते बल्कि 100 रुपये मिलते हैं। ठीक है जी, ये बात आपने एक तो याद रखनी। अच्छा, अब इसमें इस वजह से होगा क्या? ठीक है, इस वजह से होगा क्या? देखें, इस वजह से ये होगा कि आप यूँ कह सकते हो कि दे विल कैरी अ लोअर अ लोअर रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। दे विल कैरी अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बाजार में 10% का रेट अगर चल रहा है, यानी कि कोई किसी को लोन देता है तो नॉमिनल रेट 10% चल रहा है, तो इस स्पेसिफिक केस में नॉमिनल रेट मिसाल के तौर पर लेट से 4% 5% इस तरह का कुछ बन रहा होगा हिसाब किताब। तो इफेक्टिवली क्या होता है? इफेक्टिवली ये होता है कि स्ट्रेट बॉन्ड में आपकी इन्वेस्टमेंट पर एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से आपको रिटर्न मिल रहा होता है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड में आपको जो एनुअल रिटर्न मिल रहा होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसमें यानी कि डीप डिस्काउंट बॉन्ड में कंपेरेटिव टर्म्स पर परसेंटेज जो होती है वो कम होती है। बट ऑन द अदर हैंड क्या होता है? ऑन द अदर हैंड आपको जो है वो कैपिटल गेन हो रहा होता है, क्योंकि जब आप वो चीज़ वापस करते हो तो आपको आपके 75 रुपये के ऊपर टॉप अप पर 25 रुपये मजीद मिलता है। तो सर इस केस में हमारे कैश फ्लोज क्या होंगे? अगर मिस्टर ए के लिए बात करें और एज्यूम कर लें कि ये 3 साल का ही बॉन्ड है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड है 3 साल का, तो ईयर 0 पर मिस्टर ए ने 75 रुपये दिए होंगे, ये इसका कैश आउटफ्लो होगा। पहले साल के आखिर में इसको 100 पर, यानी कि नॉमिनल वैल्यू पर हमेशा हम परसेंटेज अप्लाई करते हैं ना, कूपन रेट अप्लाई करते हैं, यानी कि 4 रुपये मिलेंगे। दूसरे साल के आखिर में 4 रुपये मिलेंगे और तीसरे साल के आखिर में 4 + 100 यानी कि 104 रुपये मिलेंगे। तो हो ये रहा है कि जो कैश फ्लोज है ना उसकी थोड़ी सी तब्दीली हो रही है, इन अ सेंस कि डीप डिस्काउंट बॉन्ड में जो एनुअल इंटरेस्ट है वो कंपेरेटिवली कम होता है। यहाँ पर स्टेट बॉन्ड्स में 100 का 10% था, लेकिन डीप डिस्काउंट बॉन्ड में 100 का 10% नहीं है बल्कि 100 का सिर्फ और सिर्फ 4% है। अगर नॉर्मल स्टेट बॉन्ड्स पर नॉमिनल रेट जो है, जो कूपन रेट है वो 10% चल रहा है, तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड में वो 4% चल रहा होगा। एनुअली जो पैसे मिल रहे होंगे वो कंपेरेटिवली कम मिलते हैं। इन्वेस्टर को गेन, जो एक ह्यूज गेन होता है, वो आखिर में हो रहा होता है जब वो मेच्योर होगा। ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सी कंपनीज के लिए आइडियल है? ये उन कंपनीज के लिए आइडियल है जिनको कैश फ्लोज का इशू हो सकता है इंटरेस्ट की पेमेंट में ड्यूरिंग लाइफ ऑफ द बॉन्ड। ठीक है ना? यानी कि ये उन कंपनीज के लिए आइडियल है, उन कंपनीज के लिए फ़ायदेमंद है जो ये चाहती हैं कि जो सालाना इंटरेस्ट की कॉस्ट हो ना वो कंपैरेटिवली कम हो, और एंड में जो हम वापस अमाउंट कर रहे हो वो ज़्यादा हो तो कोई मसला नहीं है। तो सर इससे इनको फ़ायदा क्या होता है? देखो, अगर कोई प्रोजेक्ट है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल का, तो उस केस में कंपनी के पास हर साल इंटरेस्ट निकालने के पैसे नहीं होते। इंटरेस्ट निकालने के पैसे नहीं होते तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड में हर साल इंटरेस्ट देना भी कम होता है। अब जब देना कम होता है तो बचत हो जाती है। मिसाल के तौर पर लेट से मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ और वो बिल्डिंग जो है वो 5 साल में बनेगी, दिस मीन्स के 5 साल तक अगर मैंने किसी से लोन लिया हुआ है तो शायद सालाना इंटरेस्ट देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो। अगर मैंने स्टेट बॉन्ड्स इशू किए होंगे तो हर साल 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये एज अ कंपनी मेरा कैश आउटफ्लो होता। इस केस में ऐसा नहीं है, 4 रुपये 4 रुपये ही सिर्फ और सिर्फ और 4 रुपये ही मेरा कैश आउटफ्लो है।
यानी कि बिल्डिंग जब बन जाएगी 3 साल बाद 4 साल बाद, तो फिर तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे फ्लैट्स की बुकिंग से, तो मैं जो है वो रिडेम्पशन पर ज़्यादा जब पे करना चाहता हूँ तो मैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड के लिए जाता हूँ। अच्छा, इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होता है? इन्वेस्टर्स को ये फ़ायदा होता है कि इनको 25 रुपये का जो ये गेन मिल रहा है ना, ये एक कैपिटल गेन है। अब हम देखते हैं कि भाई लोकली लॉज जो है ना वो किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। क्या लॉज ये बोलते हैं कि अगर कैपिटल गेन करोगे तो उस पर कम टैक्स देना होगा, और इंटरेस्ट एक्सपेंस इन अर्न करोगे, इंटरेस्ट इनकम होगी तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना होगा, उस केस में इन्वेस्टर्स के लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो कहानी ये है कि डीप डिस्काउंट बॉन्ड जो है वो डिस्काउंट पर इशू होते हैं, डिस्काउंट पर इशू होते हैं, रिडेम्पशन पाथ पर होती है, रिडेम्पशन पाथ पर होती है तो जो इन्वेस्टर होता है उसको रिटर्न मिल जाता है, लेकिन एनुअली जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा होता है वो स्ट्रेट बॉन्ड से कंपेरेटिव टर्म्स पर कम होता है। तीसरी जो टाइम हमें डिस्कस करनी है ना वो है हमारे स्ट्रेट बॉन्ड्स। तीसरी जो हमें टाइप डिस्कस करनी है वो है हमारे, सॉरी स्ट्रेट कह रहा हूँ, जीरो कोपॉन, जीरो कोपॉन बॉन्ड्स, जीरो कोपॉन बॉन्ड्स, जीरो कोपॉन बॉन्ड्स, जीरो कोपॉन बॉन्ड्स। अच्छा, अब सर जीरो कोपॉन बॉन्ड्स क्या है? देखो, स्ट्रेट बॉन्ड्स में क्या था, हर साल इंटरेस्ट मिल रहा था। डीप डिस्काउंट बॉन्ड में क्या था, इंटरेस्ट कम हो गया और साल के आखिर में ज़्यादा अमाउंट मिल रही थी ताकि हर साल जो इंटरेस्ट मिला उसको कंपेंसेट कर लिया जा सके, ठीक है ना। जीरो कोपॉन बॉन्ड्स में जो है ना, जो कोपॉन रेट होता है यानी कि जो सालाना इंटरेस्ट की परसेंटेज होती है ना, वो 0% होती है। 0% का मतलब ये है कि सालाना बुनियाद पर इंटरेस्ट दिया ही नहीं जाएगा, यानी कि ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड की एक्सट्रीम वाली जो है ना वो कंडीशन है। मिसाल के तौर पे लेट से मिस्टर ए ने कंपनी को जो है ना आज 60 रुपीज़ दिए, तो ये मिस्टर ए के लिए आउटफ्लो हो गया। मिस्टर ए ने कंपनी को जो है वो 60 रुपीज़ दिए, तो मिस्टर ए के लिए ये 60 रुपीज़ जो है वो कैश आउटफ्लो हो गया। कंपनी के पास 60 रुपीज़ चले गए और कंपनी ने इसको जो है ना वो एक बॉन्ड दे दिया, और उस बॉन्ड की जो पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है वो 100 रुपये, लेकिन उधार कितना लिया, 60, यानी कि 40 रुपये का इसको गेन होगा जब रिडेम्पशन होगी। अब इसमें हर साल इंटरेस्ट पे ही नहीं होगा, ईयर 1 पर 0 इंटरेस्ट, ईयर 2 पर 0 इंटरेस्ट, ईयर 3 पर इंटरेस्ट 0 होगा, और इसको रिडेम्पशन के 100 रुपये मिल रहे होंगे। इस तरह से ये 100 रुपये हो जाएंगे। इस तरह से आप ये कह सकते हो कि मिस्टर ए ने 60 इन्वेस्ट करे और इसको 100 मिल रहे हैं, यानी कि 40 का गेन हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जीरो कूपन बॉन्ड जो है वो डीप डिस्काउंट बॉन्ड से भी एक एक्सट्रीम सिचुएशन पर है, जिसमें एनुअली इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, बिल्कुल ही 0% होती है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड में तो थोड़ा थोड़ा सा मिल रहा था, इसमें वो थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट भी मिलता ही नहीं है, यानी कि बिल्कुल ही एक्सट्रीम वाली पोजीशन चली जाती है। अच्छा जी, फिर आते हैं हमारे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अब कन्वर्टेबल बॉन्ड जो है ना, ये मैं सेपरेटली भी डिस्कस करूंगा, इसलिए क्योंकि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो है ना उसमें बड़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं, लेकिन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स यहाँ पर भी कवर करते हैं फिर एक वीडियो में सेपरेटली। इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं, इसमें कुछ वर्किंग्स है, कुछ वैल्यूज़ की बातें हैं वो भी आपसे देखनी है, डिस्कस करनी है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में क्या होता है, ये एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट होता है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है ना वो एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इसमें दो चीज़ों जो है ना वो मिलकर ये बना है, विच मीन्स कि डेट और इक्विटी दोनों चीज़ें मिलकर बना है। इसमें होता कुछ इस तरह से है कि आप लेट से एक एग्जाम्पल ले लो बेसिक सी। आपने जो है ना वो एक कंपनी को, आप मिस्टर ए हो, आपने कंपनी को 100 रुपये उधार दिए, ठीक है ना। मिस्टर ए ने कंपनी को जो है वो 100 रुपये उधार दे दिए, मिस्टर ए ने कंपनी को जो है वो 100 रुपये उधार दे दिए, ठीक है। कंपनी ने वो 100 रुपये ले लिया, 10% का रेट था, 3 सालों की बात हो रही थी, 10% का रेट था तो 3 सालों की अगर बात हो रही थी तो पहले साल के आखिर में 10 का इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल के आखिर में 10 का इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरे साल के आखिर में 10 का इंटरेस्ट मिलेगा, और उसूलन 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 जब बॉन्ड की लाइफ पूरी होती है यानी कि मेच्योरिटी डेट आती है, तो उस दिन आपको जो आपने पैसा इन्वेस्ट करा था वो पूरा पैसा साथ में वापस मिल जाना चाहिए और ये 110 बन जाना चाहिए। लेकिन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में ऐसा नहीं होता। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में मिस्टर ए के पास एक राइट होगा। अच्छा, ये राइट कंपनी के पास नहीं होगा, किसके पास होगा ये राइट? होगा मिस्टर ए के पास, कि अगर वो चाहे तो रिडेम्पशन वाले दिन पर या तो 100 रुपये ले ले जो इसने इन्वेस्ट करे थे, जो इसका जो है वो इन्वेस्टेड अमाउंट था, या फॉर एग्जांपल कंपनी के जो है ना वो 5 शेयर्स ले ले, या फॉर एग्जांपल कंपनी के 5 शेयर्स ले ले, ठीक है ना। यानी कि जब बॉन्ड इशू होगा ना, देखो ईयर नंबर ज़ीरो पर जब बॉन्ड इशू होगा तो ईयर 0 पर बॉन्ड्स की जो टर्म्स होंगी उसमें लिखा जाएगा कि ये 100 रुपये का बॉन्ड है, इसमें 10% का इंटरेस्ट रेट है, इसकी मेच्योरिटी जो है वो 3 साल है, 3 साल बाद जो है वो हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि ईदर इधर इधर हम जो है वो रुपीज़ 100 वापस कर देंगे,
और या फिर 5 शेयर्स कंपनी के दे देंगे। अच्छा सर, क्या कंपनी अपनी मर्जी से कुछ भी कर ले? कंपनी अपनी मर्जी से या तो 100 रुपये वापस कर देगी या 5 शेयर्स दे देगी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कह रहा मैं। ये जो राइट होगा ना कि करना क्या है, ये मिस्टर ए डिसाइड करेगा, कंपनी डिसाइड नहीं करेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कब होगा? ये नंबर 0 पर। और ये जो बात लिखी हुई है कि यार या तो 100 रुपये वापस या तो 5 शेयर्स वापस, ये इसमें से क्या करना है इसका हक कंपनी को नहीं है। कंपनी खामोश बैठी रहेगी। इसमें से क्या करना है ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड मिस्टर ए करेगा। अब मिस्टर ए इसका डिसीजन किस तरह से लेगा? मिस्टर ए डिसीजन इस तरह से लेगा कि जब यह नंबर 3 होगा और इसके सामने जो है वो मार्केट भी होगी, स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट भी होगी, ये देखेगा कि यार ये जिस कंपनी को मैंने उधार दिया उसका एक शेयर कितने का। मिसाल के तौर पर एक शेयर जो है वो 10 रुपये का है, तो इस हिसाब से 5 शेयर्स की टोटल वैल्यू कितनी बनी? 50। और अब बताओ मुझे, अगर 5 शेयर्स की टोटल वैल्यू 50 बनती है तो मिस्टर ए को क्या करना चाहिए? क्या मिस्टर ए को 10 रुपये वाले 5 शेयर्स यानी कि 50 रुपये के शेयर्स ले लेने चाहिए या कम मिस्टर ए को अपने 100 रुपये वापस ले लेने चाहिए? सर बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि मिस्टर ए जो है उसको अपने 100 रुपये वापस ले लेने चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है, इसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो मिस्टर ए अपने 100 रुपये वापस ले लेगा। अच्छा, ये जो प्राइस होती है, जाहिर है ये प्राइस ईयर नंबर 0 पर तो पता नहीं चलेगी, ये प्राइस पता चलेगी ईयर नंबर 3 पर। लेकिन कितने शेयर्स मिलेंगे, कितने शेयर्स मिलेंगे, ये कब डिसाइड होगा? ईयर नंबर 0 पर, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा होगा। अच्छा, अगर ईयर 3 वाले दिन कंपनी का एक शेयर जो है ना वो 25 रुपये का हो, अगर ईयर 3 वाले दिन कंपनी का एक शेयर 25 रुपये का हो, तो इस हिसाब से ईयर 3 पर अगर एक शेयर 25 रुपये का है, तो 5 शेयर्स की जो टोटल वैल्यू बनती है, जो कि डिसाइड हुआ था ईयर नंबर 0 पर कि आपको 5 शेयर्स मिलेंगे अगर आप अपना प्रिंसिपल वापस नहीं लेते हो, उस केस में आपके पास इसकी वैल्यू बनेगी 125। तो मुझे बताओ कि क्या हम 100 रुपये वापस ले लें या 125 के शेयर्स दे दें? सर ऑब्वियस ही बात है, इस केस में हम जो है वो ये कहेंगे कि भाई 125 वाले शेयर्स दे दें। यानी कि हमेशा जो इन्वेस्टर होगा वो यही फैसला करेगा ना कि हायर ऑफ द टू पर जाऊं, हायर ऑफ द टू यानी कि जिसमें ज़्यादा मुझे बच रहा है, मिल रहा है, मैं वो काम करूँ। अगर अगर मुझे जो है वो ये पैसे ज़्यादा हैं शेयर्स की वैल्यू से तो मैं पैसे ले लूँ, अगर शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा है पैसों से तो मैं जो है वो शेयर्स ले लूँगा। अच्छा, इसमें जैसे कि मैंने कहा मज़ीद बातें भी हैं, वो डिस्कस करते हैं। पहले तो यूरो बॉन्ड हम लोग डिस्कस कर लें। यूरो बॉन्ड क्या होता है सर? देखिए, यूरो बॉन्ड का मतलब क्या है? यूरो बॉन्ड, यूरो बॉन्ड, यूरो बॉन्ड, यूरो बॉन्ड का जो मतलब है ना, आप वो समझ लें कि वो यूँ है कि एक फॉरेन जो है ना वो बॉन्ड हो। इसकी आप डेफिनेशन यूँ समझ लें, एनी बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड, डिनोमिनेटेड, डिनोमिनेटेड, एनी बॉन्ड डिनोमिनेटेड यानी कि कोई भी बॉन्ड जिसकी जो करेंसी हो डिनोमिनेटेड इन अ करेंसी, डिनोमिनेटेड इन अ करेंसी अदर देन द होम करेंसी, अदर देन द होम करेंसी, अदर देन द होम करेंसी, अदर देन द होम करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच इट इज़ इशूड, ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री इन विच इट इज इशूड, ठीक है ना? इट इज़ इशूड यानी कि आपके पास जो एक यूरो बॉन्ड होता है वो कोई भी ऐसा बॉन्ड होता है जो आपकी अपनी जो कंपनी है उसकी ही करेंसी में, उसकी होम करेंसी में डिनोमिनेटेड ना हो। मिसाल के तौर पे लेट से पाकिस्तान में अगर रुपीस में किसी ने उधार दिया हुआ तो ये यूरो बॉन्ड नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में एक बंदा जो है वो डॉलर 100 का उधार दे रहा है या बॉन्ड इशू कर रहा है, या कंपनी जो है वो डॉलर 100 का बॉन्ड इशू कर रही है जिसको लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो क्योंकि ये डॉलर्स में इशू हुआ हुआ है और पाकिस्तान में इशू हुआ हुआ है, तो पाकिस्तान में ये वाला बॉन्ड यूरो बॉन्ड कहलाएगा, क्योंकि ये उसकी लोकल करेंसी में नहीं है जिस करेंसी में मैं इसको जो है वो समझ रहा था, या मेरी अपनी करेंसी में ये मौजूद नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, इसके कुछ हैंडआउट्स भी मिलेंगे, वो आप देखेंगे और उससे चीज़ों को याद करेंगे। अब ज़रा कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की थोड़ी सी जो है वो एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो है वो हमने ये सीखा कि एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है और उसमें जो आपके पास होल्डर ऑफ द बॉन्ड होता है यानी कि जिसके पास हक होता है कि वो अपने पैसे ले सके, वो चाहे तो कंपनी से अपने शेयर्स भी ले सकता है, ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहली एक टर्म कन्वर्टेबल बॉन्ड से जो एसोसिएटेड है वो है कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू, कन्वर्जन वैल्यू क्या है?
कन्वर्जन वैल्यू आप कह सकते हो कि है आपके पास करंट 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 मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, उन ऑर्डिनरी शेयर्स की करंट मार्केट वैल्यू इंटू विच अ बॉन्ड इंटू विच अ बॉन्ड इंटू विच अ बॉन्ड मे बी कन्वर्टेड मे बी कन्वर्टेड। और कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है? वो मार्केट वैल्यू उन ऑर्डिनरी शेयर्स की जिसमें एक बॉन्ड किसी भी वक्त कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि हम कन्वर्जन वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ कन्वर्जन रेशियो, मल्टीप्लाइड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर, मल्टीप्लाइड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर। मिसाल के तौर पे लेट से ईयर नंबर और ज़ीरो से ईयर नंबर 3 एक कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू हुआ है आज 100 रुपये का, और बीच में ईयर 1 भी आएगा, ईयर 2 भी आएगा, ईयर 3 भी आएगा, तो होगा क्या? अगर 10% का लेट से बॉन्ड है तो उसका मतलब ये होगा कि पहले साल 10 का इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल 10 का इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरे साल का 10 का इंटरेस्ट भी मिलेगा, और 100 रुपये आपको आपके अपने भी मिलेंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इस पर लिखा हुआ है कि आपकी मर्ज़ी से इसको हम 5 शेयर्स में भी कन्वर्ट कर देंगे अगर आप हमें बोलोगे तो। तो जो कन्वर्जन वैल्यू है ना वो, अच्छा ये याद रहे कि कन्वर्जन वैल्यू किसी भी दिन निकल सकती है। मिसाल के तौर पर ईयर 1 पर भी निकल सकती है, ईयर 2 पे भी निकल सकती है, ईयर 3 पे भी निकल सकती है, और हर दिन की अलग होगी। इसलिए अलग होगी क्योंकि जो मार्केट प्राइस पर शेयर है वो अलग होगी। अब फॉर एग्जाम्पल लेट से हमें पता है कि यार या तो 3 साल बाद हम अपने 100 रुपये वापस ले लें या कंपनी के जो है वो 5 शेयर्स दे देंगे। अच्छा अभी आप समझ लो कि ईयर 1 आया है, आपने ईयर 0 पर जो है वो बॉन्ड इशू कर दिया, 100 रुपये आपके पास से चले गए, पहला साल आया, पहले साल जो है वो 10 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिला। इस दिन शेयर की, एक शेयर की जो प्राइस थी ना वो लेट से 25 रुपये थी, तो 5 शेयर्स की क्या प्राइस हुई? 5 शेयर्स की 125 हुई। तो ये इस दिन की कन्वर्जन वैल्यू है, ठीक है ना। अच्छा फिर कंपनी के शेयर्स की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। लेट से ईयर नंबर 2 पे कंपनी का एक शेयर 10 रुपये का हो गया, तो 5 शेयर्स इसमें ये बॉन्ड कन्वर्ट हो सकता है, उसकी टोटल वैल्यू कितनी मिली? 50, ये इसकी कन्वर्जन वैल्यू है। अच्छा लेट से तीसरे साल क्या हुआ कि शेयर्स की वैल्यू मज़ीद इंक्रीज़ होकर और 30 हो गई, तो 5 शेयर्स की वैल्यू 30 रुपीज़ के हिसाब से कितनी हो गई? 150 हो गई, ये इसकी कन्वर्जन वैल्यू है। अब क्या तीसरे साल के आखिर में कन्वर्जन करवाओगे? यस, ऐसा लग रहा है कि हम कन्वर्जन करवाएंगे, कन्वर्जन करवाने से 150 मिलेंगे वरना 100 मिलते। सर ड्यूरिंग द ईयर कन्वर्जन वैल्यू क्यों कैलकुलेट करी जाती है, या ड्यूरिंग द टर्म क्यों करी जाती है? क्योंकि जितनी कन्वर्जन वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी इसकी मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा होगी। बिकॉज लोग कहेंगे कि यार इस कंपनी की अभी से कन्वर्जन वैल्यू इतनी ज़्यादा है, शायद फ्यूचर में और ज़्यादा हो, तो हमें और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है ऑन कन्वर्टिंग दी डेट इंस्ट्रूमेंट इंटू अ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। अच्छा जी एक और चीज़ आपकी जो है ना वो कहलाती है कन्वर्जन प्रीमियम, कन्वर्जन प्रीमियम। अब सर कन्वर्जन प्रीमियम क्या है? ये है डिफरेंस, ये है डिफरेंस। सर किस चीज़ का डिफरेंस है? ये है डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड, डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड, डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड इट्स कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है ना। कन्वर्जन वैल्यू यानी कि जितने शेयर्स में ये कन्वर्ट होगा और उन शेयर्स की वैल्यू। सर मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड कैसे निकालते हैं ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है, लेकिन एज्यूम कर लो कि जो मार्केट वैल्यू है ना एक स्पेसिफिक बॉन्ड की वो मार्केट में चल रही है ₹500, ठीक है ना। अच्छा अगर इसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया तो इसकी जो कन्वर्जन वैल्यू बन रही है ना, कन्वर्जन वैल्यू बन रही है यानी कि अगर जो है इस बॉन्ड को शेयर्स में कन्वर्ट करा गया तो लेट से एक शेयर की वैल्यू जो है वो 30 है, तो 5 की वैल्यू जो है वो कितनी होगी? 300, ठीक है ना। तो या इसको बढ़ा देते हैं, मार्केट वैल्यू जो है वो 500 और लेट से ये कन्वर्ट हो सकता है 50 शेयर्स में, और हर शेयर जो है ना वो 15 रुपये का है, यानी कि ये वैल्यू आ गई 750। तो आपका जो कन्वर्जन प्रीमियम होगा ना वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा जो कि 250 आ रहा है, ठीक है। आप लोगों का जो कन्वर्जन प्रीमियम होगा वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, यानी कि अगर
हम बॉन्ड की मार्केट वैल्यू ढूंढें वो कितनी होगी, और अगर बॉन्ड्स को शेयर में कन्वर्ट करा जाए तो कितने शेयर्स की क्या वैल्यू बनती है, इन दोनों का डिफरेंस कन्वर्जन प्रीमियम कहलाएगा। और बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कैसे ढूंढनी है ये एक अलग बहस है, ये अलग टॉपिक में डिस्कस किया गया है। अच्छा जी, फिर एक और कॉन्सेप्ट आपके पास कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में इंक्लूडेड है, वो है आपका फ्लोर वैल्यू का या मिनिमम मार्केट प्राइस का, मिनिमम मिनिमम मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, मिनिमम मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट। तो ये जो है हम अभी डिस्कस कर लेते हैं एक एग्जांपल के जरिए और हम समझ लेते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है। लेकिन वैसे आपको ये बता दूं कि ये किसके बराबर होगा, क्यों होगा, ये हम लॉजिक देख लेंगे। लेकिन दिस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंटरेस्ट पेमेंट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंटरेस्ट पेमेंट्स, जितनी भी इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं उन सारे इंटरेस्ट की पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू एंड रिडेम्पशन वैल्यू, एंड रिडेम्पशन वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू यानी कि जितने में हम उसको रिडीम करेंगे, रिडेम्पशन वैल्यू यानी कि जितने में हम उसको रिडीम करेंगे। और रिडेम्पशन वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड रिडेम्पशन वैल्यू, इन दोनों से हमारे पास जो है ना वो फ्लोर या मिनिमम मार्केट प्राइस आ जाती है। आगे ब्रैकेट में एक चीज़ लिख रहा हूँ, व्हेन नो वैल्यू इज अटैच्ड टू कन्वर्जन राइट, टू कन्वर्जन राइट। अब ज़रा इसको डिस्कस करते हैं अभी, फिर हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के जरिए जो है ना इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से एग्जांपल नंबर वन लेते हैं, और एग्जांपल नंबर वन। अच्छा मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, आप लोग जो है वो वीडियो आराम से दो तीन बार देखकर अपनी चीज़ें कॉपी करिएगा। एग्जाम्पल नंबर वन कुछ इस तरह से है कि एक 7% कन्वर्टेबल बॉन्ड है। कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब कि टर्म के एंड में अगर हम चाहें तो उनको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इनकी जो मार्केट वैल्यू है, वो 150 है। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू का मतलब ये है कि मार्केट में ये कितने में बिकते और ख़रीदे जा सकते हैं। क्या सर हम इस मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, वो एक सेपरेट डिस्कशन है, उसमें हम मार्केट वैल्यू को भी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन मार्केट वैल्यू आपको ये बताता है कि इस वक्त आप इसको मार्केट में कितने पे खरीद या बेच सकते हो। फिर इसकी कुछ नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू ₹100 है, नॉमिनल वैल्यू जो उसके ऊपर प्रिंटेड होती है, ये बात अब आप लोग समझ गए हो। इसके बाद आप सवाल ये कहता है कि अगर होल्डर चाहेगा ना तो ये कन्वर्टेबल है, अगर होल्डर चाहेगा तो ये कन्वर्ट कर सकता है इसको 20 शेयर्स में, 20 शेयर्स में ये कन्वर्ट हो सकते हैं पर ₹100 नॉमिनल वैल्यू, पर ₹100 नॉमिनल वैल्यू, यानी कि हर ₹100 की नॉमिनल वैल्यू, यानी कि एक जो बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो सकता है 20 शेयर्स में, ठीक है ना। और कब कन्वर्ट हो सकता है? आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद, 2 साल बाद, 2 साल बाद। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि यार अगर कंपनी के शेयर्स की जो करंट शेयर प्राइस है ना, करंट शेयर प्राइस लेट से है ₹4, करंट शेयर प्राइस जो है ना वो ₹4। और सवाल आपसे ये पूछता है कि आप जो है ना अगर करंट शेयर प्राइस ₹4 तो लेट से कन्वर्जन वैल्यू बताओ। अच्छा, आप कन्वर्जन वैल्यू बताओ या कन्वर्जन प्रीमियम बताओ। देखो जी, कन्वर्जन रेशियो पहले देखते हैं, कन्वर्जन रेशियो क्या है। सर हमारा जो कन्वर्जन रेशियो है ना वो है 20, यानी कि एक बॉन्ड्स के अगेन जो है वो 20 शेयर्स मिलता है। अच्छा फिर आप आ जाओ कन्वर्जन वैल्यू पर, कन्वर्जन वैल्यू का क्या फॉर्मूला था? कन्वर्जन वैल्यू का फॉर्मूला था कन्वर्जन रेशियो इनटू जो आपकी मार्केट की प्राइस है पर शेयर। तो जनाब कन्वर्जन जो वैल्यू आएगी ना वो कुछ इस तरह से आएगी कि अगर कोई ये बंदा चाहे कि इसको बॉन्ड्स को कन्वर्ट करे तो वो 20 बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर सकता है। आज एक शेयर की वैल्यू 4 है तो इसका कन्वर्जन प्रीमियम जो है ना वो 80 आ रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा सर, ये कन्वर्जन प्रीमियम किस दिन का कैलकुलेट कर रहा है? क्या 2 दिन बाद? नहीं, ये आज का कन्वर्जन जो वैल्यू है ना वो कैलकुलेट किया गया है। कन्वर्जन वैल्यू यानी कि आज अगर इनको मैं शेयर्स को अगर मैं बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे कितने शेयर्स मिलेंगे और उनकी क्या वैल्यू होगी। मैं अगर एक बॉन्ड को कन्वर्ट करता हूँ तो 20 शेयर्स मिलेंगे, हर शेयर की वैल्यू ₹4 है तो टोटल वैल्यू 80 बन गई। इसके बाद हमने कन्वर्जन प्रीमियम पढ़ा, कन्वर्जन प्रीमियम में हमने देखा कि ये जो है वो डिफरेंस होता है बॉन्ड की जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड की जो मार्केट प्राइस है माइनस मार्केट प्राइस ऑफ या मार्केट वैल्यू ऑफ
क्या कहते हैं, सॉरी, कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है ना, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड की क्या वैल्यू है, जो कि हमें सीखना है कि कैसे कैलकुलेट होती है। अगेन, ये मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड या मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, ये एक सेपरेट बहस है। लेकिन अगर इसमें से हम लेस कर देते हैं कन्वर्जन वैल्यू, तो हमारे पास कन्वर्जन प्रीमियम आ जाता है। अब सवाल के हिसाब से जो मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड है ना, वो 150 है, ठीक है जी, और जो कन्वर्जन वैल्यू है ना, वो 80 है, यानी कि जो कन्वर्जन प्रीमियम है ना, वो 70 है। कन्वर्जन प्रीमियम जो है वो 70 है, ये आपके पास कन्वर्जन प्रीमियम आ गया, ठीक है जनाब। एक और छोटी सी एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक और छोटी सी एग्जाम्पल कर लेते हैं। आप ये सारी चीज़ें बराए मेहरबानी कॉपी ज़रूर करिएगा, और फिर जो है वो हम मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, तो आगे चीज़ें और भी सही हो रही होंगी। लेट से 8% वाले बॉन्ड्स हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम ये कह देते हैं कि रिडीमेबल एट पार है, रिडीमेबल एट पार, ठीक है ना, पार पे रिडीम होगा, पार वैल्यू पर, और वो वैल्यू है ₹100, सही है ना। मेच्योरिटी डेट इज़ 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल जो है वो इसकी टर्म्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है लेट से कि कन्वर्जन ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू 20 शेयर्स, कन्वर्जन रेशियो जो है वो दिया हुआ है, कन्वर्जन रेशियो जो है वो 20 शेयर्स है। करंट शेयर प्राइस का मतलब ये नहीं है कि ये 5 साल बाद की जब ये कन्वर्ट होगा तब की शेयर प्राइस है। करंट शेयर प्राइस यानी कि आज जो शेयर प्राइस चल रही है ना, वो 5 चल रही है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन शेयर प्राइस, एक्सपेक्टेड 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 ग्रोथ, एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन शेयर प्राइस, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि जो शेयर प्राइस में ग्रोथ होगी ना हर साल, वो होगी 6% के हिसाब से, ठीक है ना। और इसके अलावा आपके पास एक कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो आप पिछले लेक्चर से शायद जानते होंगे, कॉस्ट ऑफ डेट जो आपके पास दिया हुआ है ना, वो 7% दिया हुआ है, यानी कि आप 7% के रेट से सारी चीज़ों की डिस्काउंटिंग करेंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपको ये बताया हुआ है कि आज ईयर ज़ीरो है, ईयर ज़ीरो पर आपने जो है वो किसी को ₹100 का फॉर एग्ज़ाम्पल उधार दिया, पहले साल के आखिर, दूसरे साल के आखिर, तीसरे साल के आखिर, चौथे साल के आखिर और 5वें साल के आखिर आपको इंटरेस्ट तो लाजमी आ रहा होगा, और हर साल लाजमी 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 इंटरेस्ट आने का मतलब ये है कि ₹8, ₹8, ₹8 और ₹8। अब जब आखिरी साल आएगा तो उस दिन क्या होगा, आखिरी साल जो आएगा उस दिन जो है वो रिडेम्पशन की बारी आएगी, या तो मैं रिडीम कर लूँ, अगर मैं रिडीम करूँगा तो मुझे ₹100 मिलेंगे, यानी कि मेरे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि मैं ₹100 ले लूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है कि कंपनी के 5 शेयर्स में कन्वर्ट करो। अब बात क्या आती है कि कंपनी के 5 शेयर्स की टोटल वैल्यू कितनी होगी उस दिन, तो ये देख सकते हैं हम, ईयर ज़ीरो पर शेयर की जो वैल्यू है ना, जो शेयर की प्राइस है वो कितनी है, ईयर नंबर 0 यानी कि आज के दिन, आज के दिन शेयर की प्राइस जो है वो 5 है। ईयर नंबर 5 का मतलब ये हो गया कि आज से 5 साल बाद, जी हाँ, आज से 5 साल बाद हो गया। तो हम कंपाउंडिंग का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एस इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस i पावर n, से ये मालूम कर सकते हैं कि अगर यही सब इसी तरह से चलता रहा तो फ्यूचर में जो आपके पास शेयर की प्राइस होगी वो कितनी होगी। तो हम करेंगे क्या, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 6% पावर कितना आएगा। अच्छा, गिनती कर लेते हैं। देखिए, सवाल में लिखा हुआ है 5 साल बाद ना, हाँ सही है, तो 5 साल बाद लिखा हुआ है, तो गिनती करने की ज़रूरत ही नहीं है, 5 ही आएगा। तो ज़रा इसको कैलकुलेट करते हैं, 1.06 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 6.69, ये एक शेयर की वैल्यू होगी आज से 5 साल बाद। अब आपको जब इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकालनी होगी ना, तो आपको कैश फ्लोज ड्राफ्ट करने होंगे, और कैश फ्लोज को आप डिस्काउंट करोगे यूजिंग गिवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए, पहले साल ₹8, दूसरे साल ₹8, तीसरे साल ₹8, चौथे साल ₹8, 5वें साल ₹8, ये ₹8 पे तो कोई भी आपका कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि आपने एक दुकान दी हुई है, और दुकान में जो है वो स्पेसिफिक, सॉरी, मैं ये जो ₹8 इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि आपने जो है वो लोन दिया हुआ है, और उसके अगेंस्ट आपको जो है वो हर साल जो है वो इंटरेस्ट मिल रहा है, और वो इंटरेस्ट ₹8 मिल रहा है, ठीक है ना। ₹8, ₹8, ₹8, ₹8, ₹8, 5 सालों को आपको मिलता रहेगा। अब आप ये बताएं कि 5वें साल आप क्या करेंगे, अगर आप बॉन्ड होल्डर हैं, अगर आप बॉन्ड होल्डर हैं तो 5वें साल आप क्या करेंगे, 5वें साल आप ये सोचेंगे कि यार मेरे लिए बेहतर क्या है भाई, मेरे लिए बेहतर क्या है, मेरे लिए बेहतर ये है कि या तो मैं ₹100 ले लूँ, मेरे लिए बेहतर क्या है, मेरे लिए बेहतर ये है कि या तो मैं ₹100 ले लूँ, मेरे लिए एक ऑप्शन ये है कि मैं ₹100 ले लूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि सवाल में लिखा हुआ था कि हम इसको 20 शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं,
और हर शेयर की एक्सपेक्टेड वैल्यू उस दिन 6.69 है। हर शेयर की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उस दिन वो 6.69 है, तो 20 शेयर्स की वैल्यू 6.69 के हिसाब से कितनी बनेगी? 20 शेयर्स की वैल्यू 6.69 के हिसाब से 133.8 बनेगी। तो इस हिसाब से हमें पहले साल इंटरेस्ट, दूसरे साल इंटरेस्ट, तीसरे साल इंटरेस्ट, चौथे साल इंटरेस्ट और पाँचवें साल इंटरेस्ट मिलेगा। ये तो कन्फर्म है क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था कि 8% का रेट होगा और 100 रुपये इसकी वैल्यू है, तो 100 का 8% 8 रुपये, 100 का 8% 8 रुपये, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। जो हमारा पाँचवा साल होगा, उस पाँचवें साल या तो हम 100 रुपये हासिल कर लें, या तो हम 100 रुपये हासिल कर लें, या तो हम 133.8 के शेयर्स हासिल कर लें, या तो हम 133.8 के शेयर्स हासिल कर लें। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सर मुझे लगता है कि हमें 133.8 के शेयर्स लेने चाहिए। फिर आप आगे वाली वीडियोस में भी डिस्कस करोगे, यहाँ पे भी मैं रिकैप करता हूँ। किसी भी बॉन्ड की जो मार्केट वैल्यू होती है ना, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड वो कैसे निकलती है? मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोस, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ मैंने यहाँ पर ईयर ज़ीरो पर गलत लिख दी, इसलिए क्योंकि हमें यही तो कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पर पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर नहीं है। जो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, और जो उनकी पार वैल्यू उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। और जिस तरह से यहाँ पर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में अगर फ्यूचर के शेयर प्राइसेस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो हम मार्केट वैल्यू जो निकालेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज, ईयर वन पर 8 रुपये जो आ रहे हैं उसको डिस्काउंट किया 1+7% पावर 1 से, फिर ईयर नंबर 2 पर जो 8 रुपये हैं उसको डिस्काउंट किया 1+7% पावर 2 से, फिर ईयर 3 वाले जो 8 रुपये उसको डिस्काउंट किया 8/1+7% पावर 3 से, फिर ईयर नंबर 4 पर जो पैसे हैं 8/1+7% पावर 4, उसके बाद फिर हमने डिस्काउंट किया है 8/1+7% पावर 5 और 133.8/1+7% पावर 5, इसलिए क्योंकि जब आप पाँचवें साल की बात करोगे तो पाँचवें साल आपको जो है वो एक तो इंटरेस्ट भी मिलेगा 8 रुपये का और आपको 133.8 के शेयर्स भी मिलेंगे। अब आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। अच्छा, यहाँ पर NVT का फॉर्मूला भी इस्तेमाल हो सकता है, बहुत सारे लोगों को NVT का फॉर्मूला भी लगाना आता होगा, तो आप NVT का फॉर्मूला लगा कर भी ये वर्किंग कर सकते हो, ठीक है जी। NVT का अगर फॉर्मूला लगाओगे तो वो इस तरह से होगा 8/1-1+7% पावर -5/7%। इससे ये जो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5 पर 8 रुपये हैं उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू आ जाएगी, और इसमें आप ऐड कर दोगे 133.8/1+7% पावर 5, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1.07 पावर -5, 1-8/0.07 × 8, 32.8, और 133.8/1.07 पावर 5, यानी कि ये आपका 128.19 बन रहा है। जो आपके पास मार्केट वैल्यू बन रही है ना इस बॉन्ड की, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड वो बन रही है 128.19, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड बन रही है 128.19। देखिए, आप आगे के जब लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें मैंने दोबारा से कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग के फॉर्मूले NVT को डिस्कस किया हुआ है, तो हो सकता है कि उसमें आपको थोड़ा सा इशू हो, अभी आप कॉन्सेप्ट समझते जाएं और फिर इंशाल्लाह आप ये जो वर्किंग मैंने करी है ये भी आप कर लेंगे। ये आपने याद रखना है कि किसी भी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज है, और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के केस में हम पाँचवें साल जो वैल्यू लेंगे वो हायर ऑफ द टू लेंगे, इस बात को कंसिडर करते हुए कि जो बॉन्ड होल्डर होगा वो अपना बेहतरीन या भला चाहेगा और इन दोनों में से हायर वैल्यू पर जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से जो मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड है ना, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड वो 128.9 आ रही है, ठीक है जी। 128.19 या 128.2 कर देते हैं, 128.2 मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड का मतलब ये है कि इतने रुपए में ये बॉन्ड जो है वो मार्केट में ख़रीदा और बेचा जा रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ईयर ज़ीरो पर जो कन्वर्जन वैल्यू है वो कितनी है, तो कन्वर्जन वैल्यू क्या होगी भाई? ये बॉन्ड 5 शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है और एक शेयर की वैल्यू, ईयर ज़ीरो पर कन्वर्जन वैल्यू की बात कर रहा हूँ, कन्वर्जन वैल्यू हर दिन चेंज होती है,
ईयर ज़ीरो की जो कन्वर्जन वैल्यू होगी वो ये है कि ये बॉन्ड 5 शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, और ईयर ज़ीरो पर एक बॉन्ड एक शेयर की जो वैल्यू है वो 20 रुपये, यानी कि कन्वर्जन वैल्यू 100 रुपये होगी। और अगर मैं कन्वर्जन प्रीमियम कैलकुलेट करूँ, वो डिफरेंस होता है मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड और कन्वर्जन वैल्यू का। मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड 128.2 है और कन्वर्जन वैल्यू 100 रुपये है, लिहाजा आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है 28.2 का, वो कन्वर्जन प्रीमियम है, वो कन्वर्जन प्रीमियम है, उसको हम कन्वर्जन प्रीमियम कहते हैं। अच्छा, इसके मैं आप लोगों को जो है वो हैंडआउट भी दे रहा हूँ, ठीक है ना, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो समराइज्ड हैं। काइंडली इस इन चीज़ों को अच्छे से याद करें, देखें, समझें, सुने, और अपने पास अपने रजिस्टर्स में कॉपी करें, और फिर मेरे हैंडआउट्स को रेफ़र कर कर और इसको कंप्लीट करें। बहुत शुक्रिया।